लोगों को, सभी लोगों को हम लोग नेता देंगे और जल्दी दो चार दिन बाद जो है हम लोग डेट फाइनल कर देंगे, अनाउंस आप लोगों के बीच कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी और उनकी सगाई दोनों रहस्यमय रही बिहार वासियों के लिए। जी हाँ, तेजस्वी यादव की सगाई के एक दिन पहले ही ये खबर सामने आई कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव की सगाई हो, और उसी के दिन, जिस दिन सगाई थी उसी दिन तेजस्वी यादव ने शादी भी कर ली, जो कि बिहार वासियों के लिए एक चौंका देने वाली खबर थी, बिहार के राजनीति गलियारे के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर इसलिए थी क्योंकि कानो कान किसी को भी तेजस्वी यादव की शादी और सगाई की खबर तक ना लगी। और उसी दिन तेजस्वी यादव परिणय सूत्र में भी बंध गए, नए जिंदगी की, नए जीवन की शुरुआत भी कर ली। लालू परिवार की बात करें तो लालू यादव के सबसे छोटे बेटे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और लालू परिवार की शादियों के किस्से बेहद चर्चे हैं। लालू परिवार के जितनी भी बेटियां, यानी लालू यादव और राबड़ी देवी की जितनी भी बेटियों और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जब शादी हुई थी तो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम, चाहे वो बॉलीवुड जगत हो या फिर राजनीतिक जगत हो, तमाम दिग्गजों ने शादी समारोह में शिरकत की और समारोह में चार चांद लगाया। कुछ साल पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भी भव्य शादी समारोह हुई थी, यानी कि जब उनकी जीवन की शुरुआत हो रही थी, जब उनकी शादी थी तो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और एक किस्सा है जो कि काफ़ी मशहूर है, और वो किस्सा ये है कि जब तेज प्रताप यादव की शादी थी तो उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जिस मंच पर दूल्हा दुल्हन खड़े थे वो मंच ही टूट पड़ा। तो तेज प्रताप यादव की शादी और उनके तमाम बेटियों की शादी बेहद ही भव्य तरीके से लालू यादव ने कराई, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष, जिनकी शादी का लंबे समय से तमाम बिहार वासियों को इंतज़ार था, उन्होंने आकर इतने सादे तरीके से शादी क्यों की, ये सवाल भी तमाम लोगों के दिलो दिमाग में है। और इसको लेकर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ओमिक्रॉन का खतरा भी अब देश में बढ़ने लगा है, इसको देखते हुए शादी बेहद ही सादे तरीके से संपन्न हुआ और दोनों परिवार एक दूसरे को जान पहचान सके, दोनों परिवार एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिता सके, इसलिए भी दिल्ली में शादी का आयोजन किया गया जिसमें परिवार के ही जो सदस्य थे वो शरीक हुए और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी इस शादी में सम्मिलित हुए। लेकिन एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर यह है कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी यानी रेचल, जो कि अब राजश्री यादव बन चुकी हैं, उनके साथ पटना लौट चुके हैं, पटना आ चुके हैं। और पटना आने के बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। पटना आने के बाद उन्होंने कहा कि खरमास के बाद ही अब रेचल और तेजस्वी यादव की रिसेप्शन पार्टी होने वाली है। जी हाँ, एक भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन आरजेडी की ओर से किया जाएगा, लालू परिवार की ओर से किया जाएगा, और इस पार्टी में आप समझ सकते हैं कि राजनीति गलियारे के सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दिग्गज हैं वो इस समारोह में शिरकत करेंगे और इस समारोह में चार चांद भी लगाएंगे। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव सिर्फ बिहार के ही नहीं, अब एक देश के भी चेहरे बन चुके हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव यूं तो अक्सर सत्ता पक्ष के नेताओं को घेरते नजर आते हैं, लेकिन रिसेप्शन पार्टी में ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित जरूर करेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी लालू परिवार में कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होता है, नीतीश कुमार वहां शिरकत ज़रूर करते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष की रिसेप्शन पार्टी हो और सीएम नीतीश कुमार शिरकत ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब उस पल का बिहार वासियों को इंतज़ार है जब नए दुल्हन के साथ दिखेंगे तेजस्वी यादव, जब बहुभोज का आयोजन किया जाएगा राजद की ओर से, लालू परिवार की ओर से, और उसमें लालू यादव सहित राबड़ी देवी और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो मौजूद हैं होंगे, और बिहार के राजनीतिक गलियारे के साथ देश के राजनीतिक जगत के तमाम दिग्गज पहुंचेंगे और नए वर वधु को अपना आशीर्वाद देंगे। तो जल्द खरमास के बाद होगी तेजस्वी यादव और रेचल की रिसेप्शन पार्टी। लोगों को, सभी लोगों को हम लोग नेता देंगे और जल्दी दो चार दिन बाद जो है हम लोग डेट फाइनल कर देंगे, अनाउंस आप लोगों के बीच कर देंगे। क्योंकि क्योंकि आप जान रहे हैं पिछले बार जो तेज भैया की शादी हुई तो आपने देखा होगा मंच तक टूट गया, जगह नहीं है,
अब ये हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि अगर बहुभोज दें तो स्थान क्या होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो लालू जी को चाहने वाले लोग हैं, जो हम लोगों को प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर बहू आई है तो उनको देखने लोग आएंगे, तो व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। लालू जी कब आएंगे? तो इसलिए लालू जी आएंगे, जल्द आएंगे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए हम लोगों को आना था, इसलिए हमारी माता ने यहाँ आने का काम किया। और जो रस्म रीति रिवाज जो है अपना, उसी तरीके से जो है बहू का अपने घर में स्वागत किया है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने, सब ने आपको बधाई दी है, दिल से बधाई दी है, उनको क्या कहें? नहीं नहीं, देखिए तारीफ की है, बधाई देने की बात है तो ये तो परंपरा रही है, पॉलिटिकली एजेंडा अलग हो, विचारधारा अलग हो, लेकिन एक अच्छा एक प्रचलन है कि विरोधी होते हुए भी हम, चाहे खुशी हो या दुख हो, तो हम लोग एक दूसरे के लिए सब लोग होते हैं, ये तो इंसानियत होती है। इतना सादी तरीके से शादी करने का क्या रीजन है? अचानक से एसपी जैसे खुशखबरी दे दी आपने। अच्छा, शादी कभी छुपता है? हम लोग को लगा कि परिवार है, दो परिवार एक दूसरे को और अच्छे से जाने पहचाने। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग आते, तो हम लोग तो पूरे सभी परिवार के लोग उसी में उलझे रहते हैं, तो एक दूसरे को जानने का, बैठने का मौका कहाँ मिलता। और कोरोना काल में आप ही बताइए कैसे किया जाता, लेकिन फिर भी वो अलग बात है। हर चीज़ का हम लोग जो है ख्याल रखते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि भाई सब लोगों को खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं, और जब खुशियाँ बढ़ेंगी, बढ़ाने वाला काम क्यों ना करें। बधाई हो, बधाई।